हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 8 बज गए हैं और खुशी का नाश्ता हो गया है। खुशी के लिए मैंने सेवी छोक दी थी, छोकी सेवी बना दी थी उसको, और इनके लिए मैंने पालक की सब्जी बनाई है और ज्वारी की रोटी बनाई है। तो दोनों का नाश्ता हो गया यहाँ पर। वैसे ये तो नाश्ता 9 साढ़े 9 बजे करते हैं, लेकिन ये अभी खुशी को छोड़ने को जाएंगे ना, तो फिर बस उधर के उधर ही जाने वाले, दुकान पर वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि आज ऋषभ को छोड़ना नहीं है स्कूल में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो जाने वाला नहीं है। तो फिर इनके वापस आने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, और इनको काम भी है, तो फिर वो उधर के उधर ही जाने वाले हैं। तो फिर इसलिए उनका नाश्ता जल्दी से बना दिया, बाकी सारे काम पड़े हैं घर के। नाश्ता पहले बना दिया उनका और वो जाएंगे, तो उसके बाद फिर सारे काम होंगे घर के। घर के बस उनका नाश्ता बनाया है आज, कुछ भी दूसरे काम हुए नहीं है, बस दोनों का नाश्ता बनाने में ही टाइम चला गया। और यहाँ पर उनकी एक पैंट प्रेस कर रही हूँ, शर्ट है प्रेस की हुई है, बस पैंट नहीं थी तो पैंट कर दी। और वो चले गए हैं, खुशी चली गई, ये भी चले गए। अभी यहाँ पे 8:30 बज गए हैं और 8 साढ़े 8 से 8 बज 8:30 से तो 9 बजे तक ऋषभ के साथ खेलूंगी। एप्पल कट करके लाई हूँ, एप्पल खिलाऊंगी उसको खेलते खेलते, और खेलते खेलते थोड़ा सा पढ़ा भी लूंगी उसको। पढ़ाई उसकी मैंने नहीं निकाली है सुबह सुबह, बस उसने ही बैग निकाली है, तो थोड़ा सा कुछ किताबें लेके बैठ गया था वो। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर खेलते खेलते थोड़ा सा पढ़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों काम एक साथ कर रही हूँ, थोड़ा खिला भी रही हूँ, थोड़ा पढ़ा भी रही हूँ, और थोड़ा उसके साथ खेल भी रही हूँ। तो आधा घंटा तो बस इसी को कंप्लीट देना पड़ेगा मुझे, बाकी बाद में फिर काम करने देगा वो, नहीं तो फिर ना उसको दिमाग खाता रहता है, मम्मी बोर हो रहा है, मम्मी बोर हो रहा है। तो सभी कुछ है बच्चों को, भला मोबाइल है, टैब है, टीवी है, सभी है, लेकिन बच्चों को ना आजकल के बहुत ज़्यादा बोर होता है। कितनी सुविधाएं है बच्चों को, कितने सारे खिलौने मिल जाते हैं, कितने सारे मतलब टीवी, टैब, खिलौने, हर कुछ है बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन बच्चों को ना बोर बहुत होता है आजकल के। हमारे टाइम में क्या था भला, हमारे टाइम में तो बस 8 दिन में, शुरू शुरू में 8 दिन में एक बार टीवी दिखा करती थी, दूरदर्शन पर कुछ सीरियल्स वगैरह आया करती थी, शक्तिमान वगैरह, तो 8 दिन में एक बार मिलती थी टीवी, फिर भी हमको कभी बोर नहीं होता था। लेकिन बच्चों को आजकल के तो दिन रात कार्टून है, उनके हाथ में मोबाइल होता है, उनके हाथ में टैब होता है, और कितने सारे खिलौने होते हैं, लेकिन फिर भी ना इसको तो बहुत बोर हो रहा है। सुबह 8 साढ़े 8 ही बजे तो इसको बोर होना शुरू हो गया है, पूरा दिन निकलना बाकी है अभी, और मैं भी उसके साथ कितना खेलूंगी भला, फिर भी अभी खेल लिया। और ना मैं काम के बीच में उसके साथ खेलती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कि लगातार उसको छोड़ के काम करती हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, वो बोर हो रहा है, मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ा काम करती हूँ उसको देखती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ उसको देखती हूँ, तो ऐसा करते करते मेरा 1 घंटे के काम को ना 3 घंटे लग जाते हैं। और वैसे ऐसा भी नहीं है कि सारी गलती बच्चों की है, हमारे टाइम में क्या था, भले ही ये चीज़ें नहीं थी लेकिन हमारे पास फ्रेंड बहुत हुआ करते थे। मतलब मैं तो गांव में रहती थी, गांव में तो इतने सारे फ्रेंड थे, और गली में, बाहर खेलने में कोई रोक टोक नहीं, कोई गाड़ी आना नहीं, कुछ नहीं, तो बिंदास खेला करते थे। अभी तो सिटी में रहना हो गया है, तो भी सामने ही रोड है, तो फिर घर बस दिन रात गाड़ियाँ शुरू रहती है, तो फिर उसको बाहर तो निकलने देने का काम ही नहीं, बस जो भी करना है घर में करना है, और आसपास उतने फ्रेंड भी नहीं है उसको, जो भी है स्कूल में अभी बने हैं उसके, पहले तो कोरोना की वजह से कोई फ्रेंड ही नहीं बने, और जब से स्कूल शुरू हुए तब से फ्रेंड बने हैं उसके, लेकिन वो स्कूल के लिए है, क्योंकि घर तो दूर दूर होते हैं बच्चों के, आसपास नहीं है, दूर दूर घर है, तो फिर ना ये उनके घर पर जा सकता है ना वो इसके घर पर आ सकते हैं, तो बस जिसको जो भी खेलना है वो बस घर पर ही खेलना है। तो चलिए थोड़ा सा उसके साथ खेल लिया मैंने, और उधर की रूम की साफ़ सफाई कर दी पूरी, और झाड़ू भी लगा दी उधर की रूम की। अब इस रूम में आ गई हूँ, इस रूम का थोड़ा बिस्तर वगैरह उठाना बाकी था, तो इस रूम का बिस्तर वगैरह उठा ले रही हूँ, और इस रूम की भी झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू मतलब काम मेरे पूरे ही पड़े थे, बस नाश्ता उनका बना लिया था, झाड़ू पोछा सभी कुछ मेरा आज पड़ा है, और ऋषभ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर उसको ले लेकर मुझे देख देख कर काम करना पड़ रहा है, तो आज तो बहुत देर ही होने वाली है मुझे काम को, छोटे बच्चे को साथ में लेकर काम करना, और वो बीमार हो और देखने वाला कोई नहीं हो ना, तो बहुत परेशानी होती है। अभी तो वो बड़ा है, वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन छोटा था तब भी यही हाल था, थोड़ा भी बीमार होता था ना तो बस मेरे काम का ऐसा ही होता था, पूरा दिन काम करती थी मैं उसको देख देख के। जब वो छोटा था ना, 1 साल के अंदर का था, तब तो बिल्कुल आदर्श खुशी उसको लेना नहीं आता था बच्चों को, और ये तो घर पे रहते नहीं थे, तो फिर जब जितने देर वो सोता था ना बस उतनी ही देर मेरे काम होते थे, बस इस बार सोया है तो खाना बना लेती थी, फिर अगली बार जब सोता था 1-1.5 घंटे के बाद तो फिर दूसरा कोई काम कर लेती थी, ऐसा दिन में 4-5 बार सोता था वो, तो बस जितनी बार वो सोता था ना उतनी बार मैं काम करती थी, और जब वो उठ जाता था तो फिर उसको लेके बैठती थी, तो बस ऐसी परेशानी हुई साल भर मेरी। ऐसे में तो फिर पूरा दिन घर के काम चलते थे, और सुबह से शाम कब हो जाती थी ना पता भी नहीं चलता था, कब दिन निकलता है और कब रात होती है ना, तो साल भर भूल ही गई थी मैं, और खुद को तो आईने में देखना भी भूल गई थी, दिन दिन भर आईने में देखा नहीं करती थी, और मेरे ख्याल से 15-15 दिन तो शायद मेरे बाल भी धोना नहीं होते थे मुझसे। तो चलिए वक्त कैसा भी हो निकल ही जाता है, अच्छा हो बुरा हो किसी के लिए नहीं रुकता हो। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू पोछा सभी कुछ हो गया है मेरा सुबह के, अब साफ सफाई के सारे काम हो गए हैं, तो अब यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। अब यहाँ पे 12 बज गए हैं, और खाने में बना रही हूँ मैं धपाटे, मिक्स आटे के धपाटे हैं। बेसन लिया 2 कटोरी, 2 कटोरी ज्वारी का आटा है और 2 कटोरी गेहूँ का आटा है, और उसमें मैंने जीरा और अजवाइन 1-1 चम्मच पीस के डाल दी दरदरी, और लहसुन ले लिया है और हरी मिर्ची पीस कर डाल दी, और यहाँ पे थोड़ा सा ना बिना मिर्च वाला ऋषभ के लिए निकाल लिया,
और उसमें फिर नमक डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूंगी, मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, हल्दी पाउडर डाल दूंगी और हरा धनिया डाल दूंगी। अच्छे से धोकर रख लिया है, कट करके डाल दूंगी और हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, अच्छा लगता है इसमें हरा धनिया। और दोनों भी आटे हैं ना, जो ऋषभ का है बिना मिर्च वाला और ये वाला आटा, तो दोनों साथ में गूंद लूंगी मैं। और इधर जो दिख रही मूंगफली, तो उसकी चटनी बनानी है, तो फिर उसकी चटनी बना लूंगी। धपाटे के साथ में ना यही चटनी अच्छी लगती है, दूसरी हरी चटनी और ठेसा वगैरह ना अच्छा नहीं लगता, ये चटनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ मुझे फिर से आवाज़ दे रहा है, तो यहाँ पर देखती हूँ क्या बोल रहा है। तो फिर से मुझे उसके साथ खेलने को बोल रहा है वो, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा मैं आटा लगा लेती हूँ एक बार और फिर से उसके साथ खेलने को चली जाऊँगी। तो यहाँ पर ऋषभ का आटा लगा ले रही हूँ और बाद में फिर मिर्च वाला आटा लगा लूँगी, और उसके साथ में थोड़ा सा जब तक तो आटा रेस्ट होता है ना, तो उसके साथ में थोड़ा सा खेल के आ जाऊँगी। बस ऐसे करते करते ना मेरे काम को ऐसे ही देर हो जाती है। हाँ, लेकिन जब से स्कूल में जाने लगा है ना, तो फिर थोड़ा रूटीन मेरा चेंज होने लगा है, जल्दी काम हो रहे हैं मेरे और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना, फटाफट फटाफट अपने काम में लग जाती हूँ ना, तो बस काम को पूरा करके ही छोड़ती हूँ, तो फिर काम फटाफट हो जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर आ गई हूँ उसके पास, थोड़ी देर खेल लेती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो थोड़ा सा उसको लग रहा है कि फिर मम्मी पास में बैठे तो अच्छा है, तो थोड़ा सा बैठ लेती हूँ और थोड़ा उसके पास में खेल लेती हूँ थोड़ा सा उसके साथ। और यहाँ देखिए थोड़ा सा खेल के आ गई उसके साथ में, मैं आधा घंटा खेली हूँ थोड़ा सा नहीं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली ले ली, उसके छिलके निकाल लिए, फिर यहाँ पे थोड़ा हरा धनिया ले लिया, फिर लहसुन ले लिया और थोड़ा तेल डाल लिया इसमें, और लाल मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ 2-3 चम्मच, और नमक डाल दूंगी और जीरा डाल दूंगी थोड़ा सा, और पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्सर में पीस लूंगी। और नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है मिर्ची के हिसाब से, मिर्ची थोड़ी 3-4 चम्मच डाली है मैंने, तो फिर 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए पीस ली है, और चटनी इतनी अच्छी लगती है धपाटे के साथ में। और अच्छी बात यह है कि धपाटे जब बनाती हूँ ना, तो मुझे दूसरी कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाना पड़ती, सभी जन धपाटे खा लेते हैं, ऋषभ भी, खुशी भी, ये भी, मैं भी, सभी जन खा लेते हैं, और मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती ना, मतलब कुकर वगैरह नहीं, कुछ नहीं, सब्जी बनाना नहीं, धपाटे और चटनी, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर धपाटे भी बना रही हूँ, और इसमें ना क्या है, ज्वारी का आटा होता है ना, तो फिर बाइंडिंग उतनी अच्छे से आती नहीं हो, तो अच्छे से बेले नहीं जाते हैं वो, तो थोड़े फट जाते हैं, तो धीरे धीरे बेलने पड़ते हैं। और इसमें ना थोड़े से को होल कर रही हूँ उंगली से, होल करने से क्या है, अंदर के अंदर फूलते नहीं है वो और खस्ता बनते हैं अच्छे। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, अभी के भी धपाटे बना रही हूँ और शाम के लिए भी बना रही हूँ। ये भी खा लेते हैं धपाटे, और इनको भी थोड़े बासी ही अच्छे लगते हैं, गर्म गर्म इनको पसंद नहीं आते हैं धपाटे, तो इनके लिए भी अभी बना के रख दूंगी, तो सभी का हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब है कि शाम में मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही खा लेंगे सब जन। और यहाँ पर टाइम हो गया है, 1 बज गया है अभी, और खुशी अभी आती होगी कॉलेज से, खुशी अभी तक आई नहीं है, पहले 11 बजे आती थी वो, पर आजकल 1 बजे आ रही है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे धपाटे बन गए हैं, अब सारी साफ सफाई कर लेती हूँ किचन की। तो फिर वीडियो को ये भी रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।